वेलकम बैक टू लिविंग द लाइफ। इस वीडियो में अपन सेवन आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे, अबाउट द कंपनी, अबाउट देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व्हिच हैज चेंज्ड अ लिटिल बिट, अबाउट द लोनिंग प्रोसीजर कि कैसे सेवन आइलैंड्स आपको हेल्प भी कर सकता है इस लोनिंग प्रोसीजर में, उनके टेस्ट में क्या क्या आता है, उनके इंटरव्यू में क्या क्या आता है, क्या बेसिक चीजें हैं जो हमें याद रखनी है बिफोर वी आर सेटलिंग इनटू दिस कंपनी, अबाउट वेटिंग पीरियड, स्टाइपेंड, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। बट बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो, please subscribe to the channel because I know 70% of you are not subscribing. So subscribe and hit the bell notification ताकि आपको जैसे नई नई अपडेट्स मैं लाता जा रहा हूँ सब आपके पास पहुँचती रहे। Let's go. 1, 2, 3, fuck it. requirement है। अब इसके अलावा एक और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट इफ यू हैव डन बीएससी इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स विद फिजिक्स एज इंडिविजुअल। अब अगर आपने बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में किया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किया है, लेकिन इफ योर मेजर सब्जेक्ट इज फिजिक्स देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, बट एवरेज शुड नॉट बी लेस देन 55% इन द फाइनल ईयर। अब बीएससी कर लिया लेकिन अगर एवरेज आपका 55 से नीचे है देन यू आर नॉट एलिजिबल, इट शुड बी मोर देन 55%। एंड देयर इज आल्सो अ 5% रिलैक्सेशन फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, तो जितने भी लोग हैं पीसीएम कैटेगरी में 5% रिलैक्सेशन है इफ यू बिलोंग टू एससी और एसटी कैटेगरी। नाउ एक और चीज पे आता हूं, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर इंप्रूवमेंट, आपका बोर्ड चेंज नहीं होना चाहिए, इंप्रूवमेंट हो, कंपार्टमेंट हो, सप्लीमेंट्री हो, if you are giving the exam again your board should not be changed. Lekin CBSE mein aapne de diya 12th class, fir improvement aapne Bihar board mein de diya, not allowed. Ya koi aur supplementary aapne udhar de di, not allowed. Theek hai, aapko Bihar board mein de rahe ho to wapas Bihar board mein hi dena hai, you can't change your board. So if you have changed your board you are not eligible. Now coming to the fee of the application, the fee of the application is 750 rupees only. So, जैसे ही आप एक बार भी फॉर्म भरोगे आपको ईमेल आ जाएगा फॉर योर रिटन एंड इंटरव्यू, देन मेरिट लिस्ट बनेगी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द एमएससीटी रैंक, योर इंटरव्यू में जितने भी आपको मार्क्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग। नाउ एसआईएसएल आपको कैसे लोन पार्ट में हेल्प करेगा, नाउ कमिंग टू द लोनिंग पार्ट, एसआईएसएल इज सेवन आइलैंड्स बेसिकली, दे विल हेल्प यू आउट इन द लोनिंग प्रोसीजर ऑल्सो, एडमिशन का आपको एक वो भी देंगे, लाइक यू हैव बीन गिवन एडमिशन टू द एसआईएसएल इंस्टीट्यूट। दूसरा वो लोग आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर भी देंगे विच विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। नाउ कमिंग टू द टेस्ट, देर आर ओनली 50 क्वेश्चंस, इट्स एन ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट, कोई कैमरा नहीं होता, कुछ नहीं होता, 50 मार्क्स का टेस्ट होता है, तो समझ जाओ कैसे होता है वो। अब एक और एक बहुत बड़ी न्यूज जो कि कान खुल जाएंगे आपके न्यूज को सुनने के बाद, 40 सीट्स में भी जितने भी सेवन आइलैंड सीट ले रही है, दे हैव साइंड एन ऑफिशियल MOU विद C-SPAN and V-Ships for placement. Yes. So if you have been sponsored by Seven Islands, इसका मतलब ये नहीं है कि आप Seven Islands में ही जाओगे. C-SPAN और V-Ships के साथ उन्होंने official MOU sign कर लिया है. वो दोनों कंपनी प्लेसमेंट के लिए आएगी और आ भी चुकी है. तो जिनने August batch के लिए किया था, 10 already V-Ships में place भी हो चुके हैं. And 6 girls are also placed in C-SPAN. So great news. Now Feb batch comments होगा 24th February से. एंड इनकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 10th ऑफ दिसंबर। सो गाइज हरी अप इफ यू वॉन्ट टू नो कि इसका यू नो हाउ टू फिल द फॉर्म, सेवन आइलैंड्स का फॉर्म कैसे भरना है, राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, बट यू विल ओनली गेट टू नो दिस वंस यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। बेल नोटिफिकेशन दबाओगे नहीं तो तुम्हें कैसे पता पड़ेगा कि कब वीडियो आ रहा है, कितने सारे वीडियो निकल भी जाते हैं। ठीक है, अब अबाउट द कंपनी पे बात चालू करते हैं। सो इट इज एन ओनरशिप, इट इज एन इंडियन बेस्ड कंपनी, 30 वेसल्स है टोटल, 22 इनके यू नो 8 वेसल्स आर, 8 टू 10 वेसल्स आर फॉरेन गोइंग वेसल्स, बाकी 22 वेसल्स कोस्टल वेसल्स हैं। इन माय लास्ट वीडियो आल्सो आई एक्सप्लेन व्हाट इज कोस्टल एंड व्हाट इज फॉरेन गोइंग वेसल्स। 10 टू 14 के रुपीस का स्टाइपेंड है, रुपीस पर मंथ। सो
बनाओ अपने हिसाब से डिसीजन. बट यस, इट इज अ डीजी अप्रूव्ड कंपनी, इट इज एन इंडियन कंपनी, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स आल्सो. सेमिनार गाइस इज अ डीसेंट कंपनी, बहुत टैंकर शिप्स भी है इसके पास. सो इफ यू गो इन दिस, इट इज अ गुड थिंग कि आपको टैंकर शिप्स का एक्सपोजर मिलेगा. आफ्टर दैट दे हैव वेटिंग पीरियड भी इतना ज्यादा नहीं है. वेटिंग पीरियड इज अराउंड 6 to 7 months, सो इट इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल. सो दैट इज द थिंग. If you are going to Seven Islands, all the best to you. If you want to know कि इनका exam कैसे clear करना है, interview में कैसे help हो सकता है, budding mariners पे, budding mariners we will help you out in each and everything, be it test, be it your interview, and lot of things. Thank you so much. I'll see you in the next video. Please subscribe to the channel, hit the bell notification, and fill out the Google form जो नीचे दिया है.